तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं मेरे घर। देखिए, ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद है, ये वहीं का लड्डू है, वहाँ यही लड्डू चढ़ता है आपका। आप देखे भी होंगे यूट्यूब पे, तो बहुत सारा चीज़ ज़्यादा हो जाता है। तिरुपति बालाजी सच सच मारिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सारे लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप लोग के लिए भी है ये। और चलिए, तो अपने ब्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत मॉम पे। तो मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और ये देखिए, मेरे यहाँ घर पे दो नए मेहमान भी आए हैं, तो इनसे मैं कभी और मिलाऊंगी आपको। तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले आते आते उन्हीं को देख रहे हैं, देखिए। और अभी बज गए हैं रात के 11 और मैं बना रही हूँ चावल और चोखा, क्योंकि हस्बैंड का डिमांड है कि वो चावल ही खाएँगे। ऐसे तो हमने कुछ और ही बनाया था, पर वो बोले थे कि मैं चावल रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे को कुछ पास्ता वास्ता बना के रख दो, मैं वही खाऊंगा। पर घर आते आते तो उनका मूड बदल गया, तो फिर बोले कि चावल और चोखा बना दो मेरे को। तो मैंने बना दिया, वो स्नान कर रहे हैं अभी जस्ट। और मेरे हस्बैंड को चोखा है ना, वो फ्राई किया हुआ पसंद है। और ये देखिए, सासुर तभी खेल रहा है, सो ही नहीं रहा है, पापा के आने की खुशी में इसकी तो नींद ही गायब हो गई है। और ये अपने पापा की धोती के साथ खेल रहे, जो वो पूजा करने के लिए थे पर वहाँ पहन नहीं पाए। और मैं चोखा बनाने के लिए लग गई हूँ। तो देखिए, चोखा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि लहसुन प्याज मिर्चा कट कीजिए, फिर तेल डालिए कढ़ाई पर, और जब तेल गर्म हो जाए तो उस पर डाल दीजिए। फिर आलू डालिए, आलू को आप मैश करके भी डाल सकते हैं या फिर कोटा भी डाल सकते हैं। कोटा डाल के आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक, जब तक थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इससे क्या होगा कि चोखा बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा आपका, या फिर आप मैश करके भी डाल सकते हैं। और फाइनली मेरा चोखा बन गया, तो मैं एक प्याज कट करती रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मेरे सलाद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो घर पर सलाद अभी तो है नहीं, क्योंकि थे नहीं वो, तो सब्जी वब्जी उतनी आ नहीं पाई थी, मैं तो लाते ही नहीं थी। वो जो ला के गया था ना, वो भी बचे हुए अभी, तो उस पर सलाद था नहीं, सिर्फ आपका प्याज है। तो वो बोले प्याज ही कट कर दो, तो मैं प्याज कट कर दे रही हूँ। और ये चोखा रहा, और दाल सुबह की दाल सब्जी बची हुई है। और अगर नहीं भी रहे ना, तो इनको चोखा भात दे दो, ये आराम से खा लेते, इनको कोई शिकायत नहीं है। बस एक अचार दे दो, हमारे यहाँ हर मौसम मतलब आपको एक अचार मिल जाएगा, सारे अचार ख़त्म हो जाती है, पर ये लहसुन आद होता है ना, वो बचा रहता है, क्योंकि इसे गर्मी में कोई खाता नहीं है। क्योंकि ये आपका लहसुन और आदि और देहाती वाला जो ओल होता है ना, उससे बनाया होता है ये आपका। और ये गर्मी में अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, इसलिए इसे ठंडा में ही खाया जाता है। तो हस्बैंड को खाना देने के बाद मैंने ये छोले फूलने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि कल सुबह हम छोले बनाएंगे। और उसके बाद सारे बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम भी रहेंगे ना। कल सुबह आपका सरस्वती पूजा भी है, 26 जनवरी है, 2-2 चीज़ सेलिब्रेट करना है। फिर सारे अब सरस्वती पूजा, तो घर वाल पूरा साफ होगा, आराम डीप क्लीन होगा आपका। सासू माँ मेरी होगी, वो तो पूजा रूम साफ करेंगे, उनका जिम्मेवारी रहता है पूजा रूम साफ करना, हम लोग इधर सारा संभाल लेते हैं। और ये देखिए, हस्बैंड लग गए हैं अपने दोनों जो चूजे लेके आए ना, उनके से वो हमें वो रात को ही दलिया फूलने के लिए दे दे रहे हैं, वो भी उनको उनका खाना होगा। तो अभी से हम लोग लेके आए हैं, दो पैरट के बच्चे हैं वो, उनको अभी दलिया खिला रहे हैं, या फिर दाल का हमने पाउडर बना दिया चना दाल का, और उसको ही बॉयल करके खिला दे रहे हैं। बस यही दो चीज़ खिला रहे हैं अभी। तो हस्बैंड से थोड़ी बहुत दिनों के बाद मिले, बहुत दिनों नहीं, 3 दिन के बाद मिले, पर पता नहीं मतलब जब से हमारी शादी हुई ना, पहली बार ऐसा हुआ कि वो 3 दिन के बाद आए। नहीं तो अगर मैं भी हो सकता है बाहर भी जाते हैं तो 1 दिन या 2 दिन पे आ जाते हैं, पर ये लंबा समय हो गया, 3 दिन नहीं, अब 4 दिन बोल सकते हैं। क्योंकि 1 दिन तो सुबह मिले थे, क्योंकि ड्यूटी जाना था मेरे को, तो मैं तो निकल गई थी, तो वो दिन पूरा मान लीजिए। फिर इधर 2 दिन 3 दिन, यार ये 4-5वां दिन अगर ऐसे देखें ना, तो ये 5वां दिन हो जाएगा, अब 5वें दिन पे मिल रहे हैं। पर पूरा पूरा देखा जाए तो 3 डेज मतलब 1 दिन तो थे घर पे, 3 दिन गायब थे, फिर इधर 5वें दिन पे ही हाजिर हो गए।
तो इसलिए मैं 3 डेज ही बोल रही थी। तो लेकिन ऐसा देखा जाए तो पूरे पूरे 5 दिन के बाद मिल रही हूँ, तो मिलने की जो खुशी है वो मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। तो हस्बैंड भी खाने के बाद सो ही नहीं गए, वो बातें कर रहे थे मेरे से, वो रास्ते पे उनके साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि एक तो ऐसे मतलब दंपत्ति थे, कपल्स थे एक ऐसे, तो मतलब 3 मंथ से सिर्फ टूर पर ही निकले हुए थे वो लोग, जितने भी धाम है ना वो सारे घूम रहे थे। मेरे हस्बैंड को तो बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो तो बोलते मेरे तो 2-3 दिन में हालत ख़राब हो गया, वो लोग पता नहीं कैसे घूम रहे हैं। और फिर यही हंसी मजाक चल रही थी हमारी, अब देख सकते हैं। और फाइनली सारे बर्तन धोने के बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो चलिए मैं आज आपको अपनी चाय की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैं बनाती हूँ तुलसी अदरक और लौंग वाली चाय। तो ये मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का मतलब चाय फेवरेट है समझ लीजिए, तो वो कोई भी नशा नहीं करते हैं, लेकिन चाय का नशा तो उनको है। आप उनको कभी भी चाय दे दो वो पी लेंगे, और रात को सोते वक्त चाय दे दो तब तो फिर बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे। तो मेरी चाय की रेसिपी कुछ इस तरह है कि जैसे कि मेरे को अगर 3 कप चाय बनाना होता है ना, तो मैं 2 कप पानी और 2 कप दूध डालती हूँ उस पर, और 1 कप पानी मैं सुखा देती हूँ, जिससे फिर आपका 3 कप चाय निकल आता है इस पर। तो मैंने लमसम इक्वल मात्रा में पानी और दूध दोनों डाल दिया है। देखिए हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, तो आपको पता ही होगा गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आपके यहाँ भैंस वाला दूध आता होगा तो, या फिर आप डेयरी फार्म वाला बना रहे हैं तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध तो बहुत ही पतला होता है, इसके कारण मैं इक्वल मात्रा में डाल रही हूँ। और जब एक बॉयल आ जाए तो इस पर चीनी या चपाती डाल देती हूँ। और जब चीनी चपाती डालने के बाद एक बॉयल आ जाए ना, तो मैं क्या करूँगी ना, एक आपका ये जो अदरक है वो ले लूँगी, और इसकी लौंग लो लेंगे, और अदरक को धोने के बाद उसे मैं कूट लूँगी। देखिए उसके छिलके भी मैंने उतार लिए अच्छे से, और इसे कूट लेना है। इसी भी मैंने लौंग भी रख दिया ऊपर से, देखिए और कूट दिया, साथ में सारे कूटा गया। और ये मेरा तुलसी का पत्ता जो डब्बे में दिख रहा है ना, ये घर का ही मेरा तुलसी का पत्ता है, मैंने कोई परचेज नहीं किया इसे। हमारे घर पे अभी रेड वाला तुलसी का पत्ता हो रहा है, तो मैंने मंजर सहित इसे सुखा लिया था धो के, और घर पे ही रख के सुखाया, आपका धूप पे नहीं डाला इसे। और मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना, थोड़ा सा मंजर सहित तुलसी का पत्ता और अदरक और आपका ये लौंग डाल के चाय बनाती हूँ। इसका जो टेस्ट होता है ना, गजब का होता है, आप कभी बना के देखिएगा इसका कॉम्बिनेसन। बस मैं यही 3 चीज़ ही डालती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। इलायची, आपको इच्छा है तो आप इलायची दालचीनी भी डाल सकते हैं इस पर, मेरा तो 3 ही होता है, और इसी से मेरा काम चल जाता है आपका। और इससे क्या होता है कि अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है ना, इसमें आपके गले का खराश हुआ तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा आराम से। तो जब तक चाय बन रही तब तक मैं थोड़ा अपने किचन को समेट ले रही हूँ इधर से उधर। तो लमसम मैं अदरक डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक खोलाऊँगी, यानी कि पूरे 5 मिनट तक लमसम लगता है मेरे को चाय बनाने में। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि चाय का कलर आ चुका है बिल्कुल ही, और चाय भी मेरा रेडी हो चुका है जितना मेरे को चाहिए था, जिस क्वांटिटी में, बिल्कुल वैसा ही बना है। तो हस्बैंड को चल रही हूँ देने के लिए चाय, उनको ग्लास पे ही चाय पसंद है, वो कप में चाय पीना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज़्यादा चाय चाहिए होता है, और जो थोड़ा बचा हुआ है उसे हम भी पी ले रहे हैं। तो देखिए मैं छनने के बाद क्या करती हूँ, इस पर ऐसे चम्मच से दाब दाब के जो भी बचा हुआ चाय है ना उसको निकाल लेते हो। तो आप लोग ऐसे करते हो क्या? अगर करते हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फाइनली मैं भी चली चाय पीने, और दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय टाटा, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा